सो गाइस आज हम बात करेंगे रोको नो यूशा एनिमे के बारे में। एक्चुअली इस पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने का, पर हमेशा मेरे दिमाग से निकल जा रहा था। ये एनिमे के बारे में मुझे बात करनी ही थी आप लोगों से। ये एनिमे मैंने ऐसे ही नॉर्मली स्टार्ट किया था बिना कोई एक्सपेक्टेशंस रखे, और ये एनिमे ने मुझे काफ़ी सरप्राइज किया और बहुत अच्छे से ये लोग ने हर चीज़ हैंडल की है। आज मैं तुम्हें सब कुछ इस शो के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो अब गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये एनिमे एक लाइट नॉवल पर बेस्ड है। ये एनिमे मुझे लगता है अंडररेटेड है। बहुत लोगों को पूछा ये देखा है क्या, उनको सीरियसली आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या उनसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी सबको पता चलना चाहिए कि ये कितना कमाल का एनिमे है। इसका जॉनर है एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री एंड फैंटेसी। अब मिस्ट्री सुनकर आप लोगों को लगा होगा ओह इसमें मिस्ट्री भी है। तो देखो गाइस स्टोरी सिंपल है, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं है और ना ही सब प्लॉट से इसमें हर कैरेक्टर्स के। इस एनिमे की स्टोरी ऐसी है कि हमेशा ऐसा कहा गया है कि जब भी ईवल गॉड जागेगा तो गॉड ऑफ फेट 6 बहादुर हीरोज को बुलाएगा एंड शक्ति देगा दुनिया को बचाने के लिए, और उन्हें कहा जाएगा ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर्स। अब उनका काम है ईवल गॉड को जागने से रोकना। तो ये 6 योद्धा अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसमें से एक नकली हीरो है। अब उन्हें उस नकली हीरो को एक्सपोज करना है और ईवल गॉड को जागने से रोकना है। तो कितना मस्त तरीके से इन लोगों ने रिवील को डिलीवर किया है, हिंट्स भी दिया है कि कौन निकलेगा कल्प्रिट। मैं तो बहुत मस्त इन्जॉय किया इस एनिमे को। इसका एक्शन बहुत मस्त है और कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। जब वो लोग एक दूसरे को सस्पेक्ट करते हैं कि कौन होगा कल्प्रिट, एंड मस्त तुम लोग हुक्ड हो जाओगे। जब आप लोग देखोगे ना आपको सेकंड एपिसोड से अच्छा खासा मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। और डोंट वरी, कल्प्रिट सीजन 1 में ही रिवील कर देते हैं, तो आप सोचोगे इसको बहुत लंबा खींचे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके सिर्फ 12 एपिसोड से और सीजन 2 भी आई गेस जल्द आ जाएगा। अब तक तो आया नहीं है पर क्या भरोसा आ भी जाए। इस एनिमे की ओपनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और आपको भी पसंद आएगी। ये एनिमे आप देखो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड ज़रूर करना। और हमेशा की तरह मैं हर रिव्यू वीडियो को नॉन स्पॉइलर रिव्यू रखना चाहता हूँ, जहाँ मैं एनिमे की स्टोरी के बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं, क्योंकि क्यों तुम्हारा एनिमे देखना ख़राब करूँ सब चीज़ें बताकर। अब देखो एंड डिसाइड करो आपको अच्छा लगा या नहीं। इस एनिमे के कैरेक्टर सब लाजवाब है और उनके मैजिक और उनका एक्शन तो है ही तोड़ू, जब लड़ाई होती तो और मज़ा आता है। इसका एनिमेशन कहीं कहीं जगह ऑफ लगेगा पर ओवरऑल अच्छा ही है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही हाइप कर दिया है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखो, क्या पता आपको पसंद ना भी आए। ज़रूरी नहीं है मैंने ऐसा इस एनिमे के बारे में इतना कुछ बोला है तो सबको ही पसंद आए, कुछ को आएगा कुछ को नहीं। तो अब दोस्तों आप लोग देखो और बताओ मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा, और आपको ऐसे कोई एनिमेस पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मुझे अच्छे लगे वो सब एनिमेस मैं उस पर रिव्यू ज़रूर करूँगा। तो अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, आरिगातो गुज़ाए मास्क।